गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 ममता पढ़ेंगे। ममता कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। कहानी को 3 उपखंडों में बांटा गया है, जिनमें एक किशोरी के धर्म और पर अडिग रहने, अतिथि सत्कार करने तथा लोभ व लालच न करने संबंधी नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव में दृढ़ निश्चय व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होते हैं तथा धर्म और नैतिकता संबंधी कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये इस कहानी का सार है जो हमको इस कहानी से मिलता है। इसमें लड़की विधवा है, लेकिन अपने धर्म से कभी भी नहीं टलती। जो उसका धर्म है वही वो अपना काम करती, चाहे उसके आगे शत्रु आए, उसका चाहे दुश्मन आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो अपने धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटती है। ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ: प्रकोष्ठ, कमरा, प्रवाह, धारा, विकल, व्याकुल, दुहिता, बेटी, निराश्रित, बेसहारा, अनुचर, सेवक, विभूति, ऐश्वर्य, रजनी, रात, विपन्न, दुखी, सचेष्ट, प्रयत्नशील। ये थे इसके शब्दार्थ। अब है इसके ये वन वर्ड आंसर। चूड़ामणि की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? जो उसके पिता चूड़ामणि थे ममता के, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी? पठानों के आक्रमण के द्वारा, पठानों के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। पठानों ने मारा था उनके पिता को। प्रकोष्ठ में किसने चुपचाप प्रवेश किया? प्रकोष्ठ में चुपचाप चूड़ामणि यानी कि ममता के पिता ने प्रवेश किया। चौसा के युद्ध में शेरशाह से कौन हार गया था? चौसा के युद्ध में शेरशाह से हुमायूं हार गए थे। ममता किस दुर्ग में बैठी हुई थी? ममता रोहितास के दुर्ग में बैठी हुई थी। चूड़ामणि थालों में ममता के लिए क्या उपहार लेकर आया? चूड़ामणि ममता के लिए बड़े बड़े थालों में सोना लेकर आया था। अब आपके क्वेश्चन है, ममता कौन थी और उसे किस प्रकार का दुख था, क्या दुख था? तो ममता चूड़ामणि की बेटी थी और उसका सबसे बड़ा दुख यही था कि वो जवान थी और विधवा थी। उसका सबसे बड़ा दुख यही था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, उपहार के संबंध में ममता तथा चूड़ामणि के विचारों में क्या अंतर था? तो उपहार के संबंध में जो बड़े बड़े थालों में सोना लेके आया था, उसके संबंध में ममता की सोच ये थी कि ये उसके लिए बेकार है, अधर्म है। लेकिन उसका चूड़ामणि का कहना था कि ये हमारे जो ये नहीं रहेगा, ये पद हमारे पास नहीं रहेगा, भविष्य के लिए काम में आएगा। नंबर 3, चूड़ामणि की दुश्चिंता का मुख्य कारण क्या था? उसकी दुश्चिंता को मिटाने के लिए उसने क्या क्या किया? दुश्चिंता उसकी यही थी कि ये राज्य जब नहीं रहेगा और पद नहीं रहेगा तो मेरी बेटी विधवा है, उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। और उसने अपनी दुश्चिंता को मिटाने के लिए शेरशाह से घूस लिया था। नेक्स्ट है, ममता ने किस भावना से प्रेरित होकर हुमायूं को आश्रय दिया था? अपनी अतिथि धर्म की भावना से प्रेरित होकर ममता ने हुमायूं को आश्रय दिया था। नेक्स्ट है, खंडरों में छिपी ममता और अधिक भयभीत क्यों हो गई? खंडरों में छिपी हुई ममता इसलिए भयभीत हो गई थी क्योंकि हुमायूं उसके कमरे में विश्राम कर रहा था। जब उसके सैनिकों ने उसको आवाज दी और उसने निकलकर उनसे ये बोला कि उस महिला को ढूंढो, और हजारों वहां पर अश्वारोही घूम रहे थे, तो उसे ये डर लगा कि ये लोग मुझे पकड़ ना ले, इसलिए वो और ज्यादा भयभीत हो गई थी। नेक्स्ट है, झोपड़ी के स्थान पर क्या बना और इस पर क्या लेख लिखा गया? झोपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर जो लिखा गया वो था, सातों देशों के नरेश
हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, परंतु उसमें ममता का नाम कहीं भी नहीं था। नेक्स्ट है, स्वर्ण लाने की चूड़ामणि की क्या तर्क था। स्वर्ण लाने के लिए चूड़ामणि का तर्क था कि जब हमारे पास ये पद नहीं रहेगा, ये राज्य नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, तब उस टाइम जब हम भविष्य में हम जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तब हमारे लिए ये काम आएगा। तो ये हमने आपको क्वेश्चन आंसर समझाया, वर्ड मीनिंग समझाई पार्ट छोटे में, और इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको रिटेन में देंगे, आपको उसको कॉपी में लिखना है। और सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें, फ्राइडे तक कॉपियां स्कूल में पहुंचा दें, वहां सबमिट करें तो आपकी कॉपियां चेक होंगी। चेक करने के लिए कॉपियां फ्राइडे तक स्कूल में पहुंचा दें मेहरबानी से जरूर। ओके okay?